हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ चेन्नई सुपर किंग्स की क्या प्लानिंग रहने वाली है आगे। आईपीएल 2022 की जो मेगा ऑक्शन होने वाली है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ किन प्लेयर्स को रिटेन करेगी और किन पर आरटीएफ बैंड लगाने वाली है। अगर एमएस धोनी खेलते हैं, प्रोबेबली चांस ये है कि ये खेलेंगे, तो एमएस धोनी को रिटेन करेंगे नंबर वन। नंबर टू होंगे सैम करन। तीसरे नंबर पर होंगे रविंद्र जडेजा। ये तीन तो पक्के ही हैं आईपीएल 2022 के लिए। आरटीएम कार्ड की बात करें तो फैफ पर लगा सकते हैं, फैफ डुप्लेसी पर और सुरेश रैना पर। ये हो गए पांच प्लेयर जो कि रिटेन कर सकती है एक टीम मेगा ऑक्शन में, जिसमें दो ओवरसीज हो गई और तीन इंडियन। अब मैं बताने वाला हूँ कि किनको टारगेट कर सकती है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले कुलदीप यादव का नाम आता है। कुलदीप यादव, दरअसल इनको लगातार मौके नहीं मिल रहे, इंडिया टीम में भी नहीं और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में भी नहीं। तो इन्होंने आप ही बताया था कि इनके करियर पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इनको टारगेट करना चाहिए क्योंकि ये क्वालिटी स्पिनर है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिनर है। तो आपको पता ही होगा इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था जब एमएस धोनी विकेट्स के पीछे थे इंडिया के लिए, तो इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा चल रहा था, लगातार विकेट्स मिल रही थी, कंसिस्टेंसी बनी हुई थी। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम डेफिनेटली चाहेगी कि एक क्वालिटी इंडियन स्पिनर इनकी टीम में आ जाए। तो नेक्स्ट जो बड़ा नाम आता है वो आता है सुनील नारायण का। सुनील नारायण दरअसल बड़ा नाम हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आईपीएल 2022 में, क्योंकि इमरान ताहिर को ये टीम रिलीज़ कर देगी तो वो रिलीज़ भी हो जाएंगे। तो रिलीज़ करने के बाद ये एज ए बेस्ट रिप्लेसमेंट होंगे इमरान ताहिर की। सुनील नारायण तो बेस्ट नाम हो सकता है, अच्छा प्रदर्शन ये कर सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इमरान ताहिर को रिलीज़ करने के बाद कौन सी बेस्ट रिप्लेसमेंट हो सकती है। मेरे हिसाब से देखें तो सुनील नारायण एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, इनको एज ए बैट्समैन भी यूज़ कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। नेक्स्ट जो दूसरा नाम आता, तीसरा सॉरी, वो आता है शाहरुख खान का। शाहरुख खान दरअसल जो कि युवा खिलाड़ी हैं, इनको पंजाब किंग्स की टीम ने खरीदा था, इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी। तो शाहरुख खान को ये टीम टारगेट कर सकती है। दरअसल अंबत्ती रायडू जो कि पांचवें नंबर पर बैटिंग करते थे, उनको भी रिलीज़ किया जाएगा आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन के लिए। तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए पांचवें नंबर पर शाहरुख खान बेस्ट हो सकते हैं। शाहरुख खान अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं और लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ जुड़ सकते हैं शाहरुख खान। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, शाहरुख खान को कौन सी टीम में जाना चाहिए, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में या फिर किसी और टीम में। नेक्स्ट जो आता है वो आता फास्ट बॉलर, वो है आवेश खान का नाम। आवेश खान जिनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा और इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रेस भी किया है, एमएस धोनी को और विराट कोहली को आउट किया है, तो काफ़ी इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। आवेश खान का इकोनॉमी रेट भी अच्छा है, ठीक ठाक है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, तो रिलीज़ किए जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से। तो चेन्नई सुपर किंग्स बेस्ट रिप्लेसमेंट देखेगी दीपक चार जो कि रिलीज़ होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे क्योंकि सभी टीमें इनको टारगेट करने वाली है। तो आवेश खान को टारगेट करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, आवेश खान एक बेस्ट ऑप्शन रह सकते हैं। नेक्स्ट जो बड़ा नाम आता हुआ था बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स दरअसल मैं बता दूं कि बेन स्टोक्स, ये मैं ये नहीं कहता कि ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में ही खेलेंगे, दरअसल टारगेट करेंगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बेन स्टोक्स को। तीसरे नंबर पर ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, जहाँ पर मोइन अली खेलते थे। नो डाउट मोइन अली को भी दोबारा टारगेट करेगी क्योंकि सीएसके की टीम का आपको पता ही है, जो कि उनके पुराने प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा मौका देती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मोइन अली और इनको बेन स्टोक्स को भी टारगेट करने वाली है। तो बेन स्टोक्स रिलीज़ किए जाएंगे राजस्थान रॉयल्स की टीम के द्वारा। राजस्थान रॉयल्स की टीम मैं बता दूं कि रीवैम्प भी कर सकती है, यानी एक जीरो प्लेयर्स के साथ उतर सकती है आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन में, और या फिर बटलर को ये करेंगी, बटलर या फिर स्टोक्स में से कोई एक होगा, मुझे लगता है स्टोक्स रिलीज होएंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं बेन स्टोक्स कैसा ऑप्शन रह सकता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए। नेक्स्ट जो बड़ा नाम आता वो आता ईशान किशन का, आखिरी नाम जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ईशान किशन दरअसल एज ओपनर भी खेल सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए। ईशान किशन दरअसल ऋतुराज गायकवाड़ जो कि रिलीज़ किए जाने वाले हैं, उनको भी सभी टीमें यानी टारगेट करेंगी एज ए ओपनर, जो भी टीम होगी यानी केकेआर जैसी, तो उनको भी टारगेट करने वाली। तो ईशान किशन मैं मानता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन रह सकते हैं एमएस धोनी के बाद ये विकेट कीपिंग
कर सकते लंबे समय तक। अगर ये खरीदे जाते हैं IPL 2022 में, ये नहीं कहता IPL 2022 में ही ये कप्तान बना दिए जाएंगे, बाद में भी बन सकते 3-4 साल बाद, क्योंकि अभी युवा हैं तो बहुत लंबे समय तक खेलेंगे। आप कमेंट करके जरूरत है इनमें से जो खिलाड़ी है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी पक्का चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में खेलना चाहिए। सारे खिलाड़ी तो ये नहीं खेल सकते, टारगेट करेगी इनको इनमें से कौन सा खिलाड़ी खेलना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।